हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी वे में। आज हम देख रहे हैं फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक तरंग गति और जानेंगे इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो तरंग गति होता है, हम इस पे बात करने वाले हैं कि ये होता क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले समझिए कि तरंग क्या चीज़ होती है। तरंग बेसिकली एक डिस्टर्बेंस है। जब आप देखिए, मान लीजिए कि ये एक हमारा तालाब है, ठीक है, तालाब है, और जब आप यहाँ से एक पत्थर यहाँ पर फेंकते हैं, तो जब ये पत्थर जब यहाँ पर गिरता है, तो जैसे ही ये पानी की सतह पर टकराता है, तो आपको चारों तरफ कुछ इस तरह की आकृति दिखने लगती है, ठीक है। अब ये हो रही है, ये जो तरंग बन रही है, और ये तरंग इस स्थान से लेके इस डायरेक्शन में अब जा रही है, तो इसे ही क्या कहा जाएगा, तरंग गति। ये जो तरंग की जो जाने की दिशा है और ये किस तरह से जा रही है, ये आएगा, इसे कहा जाएगा तरंग गति। लेकिन अब ये क्यों जा रही है और ये तरंग ऊपर उठ रही है और फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर उठ रही है, तो इसका कारण क्या है, हम इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन जान लेते हैं कि तरंग क्या होती है, विक्षोभ क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने जो यहाँ पर है हमारे स्क्रीन पर जो है वो लिखा हुआ है, तरंग का अर्थ है लहर, ठीक है। आपको पता ही होगा कि जैसे ही आप पत्थर फेंकते हैं तो एक लहर उत्पन्न होती है। तरंग एक विक्षोभ डिस्टर्बेंस है, ठीक है। जब हम तालाब में एक पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं, तो पत्थर गिरने के स्थान पर विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जो तरंगों के रूप में जल के चारों तरफ फैल जाता है। यह विक्षोभ तरंगों के रूप में जल के चारों तरफ फैल जाता है, जबकि माध्यम के कण यानी जल के कण अपने स्थान पर तरंग की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे कंपन करते रहते हैं। इस प्रकार विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पे आपने पत्थर फेंका, इस पत्थर से जैसे ही आप पत्थर फेंकते हो, तो यहाँ पे ऐसी लहरें उत्पन्न होती है, ठीक है। तो लहरें क्यों उत्पन्न होती है, कि जो पत्थर की काइनेटिक एनर्जी होती है, वो हमारे ये जो पानी है, पानी पे जैसे ही टकराता है, तो उसके जो कण होते हैं, वो इस पत्थर की काइनेटिक एनर्जी को ले लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब जैसे ही ये पानी को लेते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स इसकी एनर्जी को लेते हैं, वो कुछ इस तरह ऊपर उठ जाते हैं, और ऊपर उठते हैं, और जैसे जैसे ये डाउन नीचे जाते हैं, वैसे इसका मतलब ये होता है कि एक कण, देखिए ये कण है, ये अपनी एनर्जी को दे रहा है दूसरे वाले कण को, तो जिस कण को एनर्जी मिलती है वो ऊपर उठ जाता है, और जिसकी एनर्जी कम होती है वो नीचे चला जाता है। तो इस कारण से कुछ इस तरह की आकृति आपको दिखाई पड़ती है, ठीक है। अब हमको क्या लगता है कि आप जब आपने देखा होगा, जैसे पत्थर फेंका होगा, तो पानी की जो हलचल हो गई, वो मतलब वो सतह के किनारों तक जाने लगता है, तो हमें लगता है कि पानी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, लेकिन ये एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता है, जबकि ये क्या होता है कि इसके जो कण होते हैं, ये ऐसे लंबवत उठते हैं और नीचे चल जाते हैं, और अपनी एनर्जी को एक दूसरे कण से को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ये प्रक्रिया आगे चली जाती है, आगे बढ़ती जाती है, और इसे ही तरंग गति कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तरंग गति की विशेषताएं। तो जो तरंग माध्यम में आगे बढ़ती है, किंतु माध्यम के कण अपनी संतुलन की स्थिति या माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलनी गति करते हैं, आगे नहीं बढ़ते। जैसे मैंने अभी बताया कि ये एनर्जी लेके ऊपर उठ जाते हैं, फिर अपनी ही जगह पे आ जाते हैं, फिर दूसरे कण को एनर्जी देते हैं, फिर वो कण ऊपर उठता है, फिर ऐसे करते ही कंटिन्यूस प्रक्रिया चलती है और लहर के रूप में आपको दिखाई देती है। अगला है, माध्यम का प्रत्येक कण अपने पूर्ववर्ती कण की गति को थोड़ी देर बाद दोहराता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ऊपर उठा, फिर नीचे उठा, तो अगला वाला भी ऊपर उठेगा, अगली सतह फिर नीचे उठेगी, तो ये अपने जो कण है उसकी जो गति है या उसकी जो चाल है, उसको फिर से क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, भौतिकी में तरंग का अभिप्राय अधिक व्यापक होता है, जहाँ यह कई प्रकार के कंपन या दोलन में व्यक्त करता है। इसके अंतर्गत यांत्रिकी, विद्युत चुंबकीय, ऊष्मा इत्यादि कई प्रकार की तरंग गति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो जो बेसिकली दोस्तों, जो तरंग होती है, जो वेव्स होती हैं, वेव का काम होता है एनर्जी को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। एनर्जी, जो एनर्जी या ऊर्जा होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह ये लेके जाते हैं। अब हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें कई तरह की हमने तरंग पढ़ी है। तो जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी, तो सबसे पहले हमने बात किया था यांत्रिक तरंगों के बारे में, फिर दूसरा है अयांत्रिक, नॉन मैकेनिकल, उसमें भी हमने यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव में हमने पढ़ा था अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में, ठीक है। तो चलिए,
अब देखिए इनके क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला होता है तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, ठीक। आपको इसको समझना पड़ेगा कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, वेग क्या है, आवृत्ति क्या है और आयाम क्या है। ये अगर आपको टर्म समझ आता है तो आप वेव के संचरण की दशा को, तरंग की संचरण को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक साइन वेव मैंने लिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए क्या होता है, जब पानी जब उठता है या नीचे ऐसा जाता है, तरंग जब बनती है, लहरें जब बनती है, तो कुछ इस तरह की आकृति आपको मिलती है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा आप प्रैक्टिकली में कर सकते हैं, हाँ तो जी हाँ बिल्कुल करते हैं। देखिए जब आप सुबह उठते हैं तो जैसे ही आप सुबह उठेंगे या शाम को जैसे सोते होंगे, तो आई एम श्योर कि आप अपने बिस्तर को साफ करके सोते होंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप चादर को झटकते हैं, तो देखिए जैसे ही आपने चादर को झटका तो कुछ इस तरह की आकृति बनी, ऊपर नीचे बन गया, ठीक है। हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, एक माध्य स्थिति ले लेते हैं। अब इस माध्य स्थिति के बीचों बीच एक लाइन खींच दीजिए, तो ये देखिए हमको एक आकृति प्राप्त हो गई, ठीक। अब ये आकृति जो ऊपर का जो पॉइंट है ये कहलाएगा आपका श्रंग, और नीचे का पॉइंट है वो कहलाता है गर्त। और इसकी दिशा कैसी है, इस ऐसी है, और इसके कण कैसे हैं, इसके ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है, लंबवत घूम रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के एक जगह दूसरे जगह जा रहे हैं नहीं। इसके द्वारा हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर, जैसे ही चादर झटकते होंगे तो उसमें से एक आवाज़ आती होगी, और आवाज़ क्यों आई, क्योंकि उसमें आपने एक एनर्जी डाली और उससे एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, ठीक है। तो एक ये जो तरंग होती है वो ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और यही कारण है कि आपका चादर भी जिससे उसके कण होते हैं वो झटकते हैं जब, तो वो गिर जाते हैं और उसमें इस तरह की साइन वेव बनती है, ठीक है। तो ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ये अपने माध्य स्थिति से ऊपर या नीचे हो रहा है, तो इस तरह की बनने वाली वेव्स को साइन वेव कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक टर्म को जान लेते हैं। अब देखिए ये यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ, ये पोजिशन जीरो है, ये जीरो से स्टार्ट हुआ और ये डाउन गए, तो ये माइनस में है, ये पॉजिटिव में है, प्लस में है, ठीक। तो ये जो माध्य स्थिति के सबसे ऊपर पीक का पॉइंट होता है उसे कहा जाता है श्रंग। क्या कहा जाएगा दोस्तों, श्रंग कहा जाएगा, ठीक है। अब इसे कहते हैं श्रंग, और नीचे वाले को कहते हैं हम गर्त, ठीक है। क्या कहते हैं, गर्त, ठीक है, सॉरी गर्त कहेंगे हम इसे। और अब देखिए, अब जैसे ही यहाँ से इसने यहाँ से ऐसे करके ऐसे यहाँ तक आया, तो यहाँ तक के जो ये आया है तो इसने एक साइकिल कंप्लीट की। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी दिया गया है, ये जीरो से लेके जब ये वापस अपने जीरो तक पहुँचा तो वन साइकिल कंप्लीट किया। वो ये वैसा ही उदाहरण है, देखिए जब आप झूला झूलते हैं, अगर आपने झूला झूला हो कभी, तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए और वापस यहीं पे पहुँच जाएंगे, तो जब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गए, तो जैसे ही आप पहुँचे वैसे ही क्या होगा कि आपने जब जहाँ से स्टार्ट लिया वहाँ से वापस पहुँचने को आपको वन साइकिल कंप्लीट हो कहते हैं। कितना साइकिल, वन साइकिल, याद रखना। और उसके बाद जितना आपने टाइम लिया है यहाँ से यहाँ तक का साइकिल कंप्लीट करने में, मान लो आप 5 सेकंड लेते हैं, ठीक है। अगर आप 5 सेकंड ले रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका जो टाइम पीरियड है वो है 5 सेकंड का, ठीक। अब देखिए जैसे ही आपने ये, जैसे इसका जितना ये माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है दोस्तों, एम्पलीट्यूड या आयाम कहलाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब जैसे ही आपने, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, आप मैंने आपको भी चादर के एग्जांपल बताया, तो आपने ऐसा करके जितने जोर से जब चादर झटकते हैं तो इसका ये ऊपर उतनी दूर जाता है। अगर मैं 20 से एक लाइन खींच दूँ तो ये देखिए सबसे ऊपर गया, तो ये जितना महत्तम विस्थापन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसका आयाम कहलाता है, ठीक है, आयाम, या इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक। और जितनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी उतना ये आयाम उतना ही अधिक बनेगा, ठीक, याद रखिए, जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी या एनर्जी होगी तो आयाम भी जितना ही ज़्यादा बनेगा। और आयाम क्या होता है, माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन, ठीक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब उसने यहाँ से यहाँ तक के जीरो तक आया तो वन साइकिल, ठीक, कितना हो गया साइकिल हो गया एक साइकिल। अगर ये 5 सेकंड में पूरी करता तो इसका ये टाइम पीरियड कहलाता 5 सेकंड। लेकिन अगर ये एक साइकिल यहाँ पूरी किया 1 सेकंड में, अगर ये ऐसा 10 बार हो जाता, कितना 10 बार,
तो ये कहलाती एक सेकंड में, ये कहलाता इसका फ्रीक्वेंसी। याद रखिए क्या कहलाती इसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। और आवृत्ति कितनी होती है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड में जितनी साइकिल वो घूमता है वो उसकी आवृत्ति कहलाती। अभी 10 हर्ट्स बोलते, 10 हर्ट्स का क्या मतलब होता है, एक सेकेंड में 10 बार उसने साइकिल अपनी कंप्लीट की, तो ये कहलाता है उसका हर्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये थे दोस्तों इसके टर्म्स के, एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसके बाद हमने जान लिया आवर्त काल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो आप तरंग की गति को समझते हैं और आप इसके एक एक चीज़ों को आप अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।